कराची में 7 साल बच्चे आबान के कत्ल से कबल की वीडियो भी सामने आ गई। मुलजिम सुफियान को बच्चे का हाथ पकड़ जाए वकुआ तक ले जाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम पर पहले रोज से शक था। कराची के इलाके FP एरिया ब्लॉक 16 में मासूम बच्चे आबान के कत्ल का मामला हल हो गया। CCTV फुटेज ने कातिल का चेहरा दिखा दिया। फुटेज में मुलजिम सुफियान को कत्ल से पहले बच्चे का हाथ पकड़कर ले जाते देखा जा सकता है। पुलिस ने घर से आला कत्ल बरामद कर लिया। सफाक मुलजिम ने बच्चे को कत्ल करके इसकी वालदा को मैसेज भी किया कि आबान खो गया है। सुफियान बच्चे का फूफीजाद भाई है और घर में साथ ही रहता था। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म करते हुए कहा कि आबान अपने वालिद को मेरी शिकायतें लगा आता था। उधर से पार्क में गया, पार्क के बीच चले रस्ते से उधर लेके चली गया। उधर मैंने इसका कत्ल किया झाड़ियों की साइड। इतनी गुस्सा था, शिकायतें बहुत लगा था अब मामू। 4 रोज कबल 7 साल आबान घर से कुछ दूर शदीद जख्मी हालत में मिला था। तहम अस्पताल पहुंचकर वो दम तोड़ गया था। पुलिस ने वाकये का मुकदमा बच्चे के वालिद की मदद में दर्ज कर लिया है। मजीद कानूनी कार्रवाई भी जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।